नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लो, देखो ध्यान से, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो पहले हमें दूसरी संख्या पता होनी चाहिए। मान लो दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 5 गुनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। तो दूसरी संख्या यदि x है तो पहली इसकी 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5x। अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी इसमें और इसमें 21 जोड़ने पर, x में 21 जोड़ोगे तो आ जाएगा x प्लस 21, 5x में 21 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5x प्लस 21, दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या कौन सी है, 5x वाली, यह है पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी, इसकी दुगनी, इसकी दुगनी का मतलब इसको 2 से गुना कर दो तो ये पहली के बराबर होगा। दोबारा समझो, दूसरी संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या होगी 5x। क्वेश्चन है, दोनों में यदि 21 जोड़ दें, x में भी 21 जोड़ दिया, 5x में भी 21 जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या जो x वाली थी उसमें 21 जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ वह है, और जो पहली संख्या है 5x प्लस 21, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। तो दूसरी वाली संख्या को 2 से गुना करेंगे तो वो पहली वाली के बराबर आएगा। अब इसे हमें हल करना है, ध्यान से देखेंगे तो ये 2 जो है ये इस x से भी गुना होगा और इस 21 से भी गुना होगा। 2x से गुना होगा तो बन जाएगा 2x प्लस 2, 21 से गुना होगा तो 21 दुनी बन जाएगा 42 बराबर, इधर है 5x प्लस 21। अब हम क्या करेंगे, देखो बराबर के नीचे बराबर है, 2x, x वाली रकम इकट्ठी करेंगे, 5x इधर है प्लस का, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस है, माइनस 5x, 21 यहां पहले से है, 42 यहां प्लस का है, उधर जाएगा तो 42 के साथ जो निशान होगा वो बदल जाएगा, वो बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाले 3x, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम थी 5, उसके साथ निशान था माइनस, तो ये आ गया माइनस 3x बराबर, प्लस माइनस माइनस, 42 में से 21 निकाले 21, साइन बड़ी रकम का माइनस, x बराबर माइनस 21, माइनस 3x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 21 कट गया 7, 3 से 21 कट गया 7, तो x कितना आ गया हमारा 7 के बराबर आ गया, x किसके बराबर आ गया हमारा 7 के बराबर आ गया है। अब हमें निकालना क्या था, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हम लिखते हैं पहली संख्या, पहली संख्या देखो किसके बराबर है, पहली पहली संख्या किसके बराबर थी, 5x के बराबर, 5x का मतलब 5 गुना x, x की वैल्यू अभी निकाली है 7, तो 5 7 हो गया 35, इसका मतलब पहली संख्या कितनी आ गई 35, और दूसरी संख्या देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन में, दूसरी संख्या ये ऊपर है, दूसरी संख्या किसके बराबर थी x के, और x किसके बराबर आया है 7 के बराबर आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास इस प्रश्न में हमें दोनों संख्याएं निकालनी थी, तो पहली संख्या हमारी आ गई है 35 और दूसरी संख्या हमारी आ गई है 7, यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो, वो हमने ज्ञात कर दी है। आशा करता हूं ये वीडियो के द्वारा आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है कि हम और मेहनत से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।